सीवी सेंड की थी ना, जी वो आज जब मैंने मतलब रात को ही जब मैंने दोबारा ओपन करने की ट्राई करा ना, तो वो ओपन नहीं हो रही HTML में. मतलब सेम डॉक्स वगैरह तो वहीं पर है, लेकिन वो HTML के थ्रू ओपन नहीं हो रही. पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा, तो तो आप अपना ऐसा कुछ. स्क्रीन स्क्रीन अपनी शेयर कर के ना आप मुझे दिखा दें, बता देता हूँ क्यों आ रहा है वो। ओके अपने पास जो है ना VS कोड ओपन कर लूँ। ये तो आपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन शेयर की है शायद, आप इस वक्त लैपटॉप से कनेक्टेड हैं या मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हैं? सर, मैं फोन से कनेक्टेड हूँ. अच्छा, तो फ़ोन पे तो वो आप नहीं दिखा पाएंगे मुझे। कंप्यूटर है अभी अवेलेबल आपके सामने है? सर ऑन करना पड़ेगा, आई थिंक ऑन कर दिया. अच्छा, तो मेरा ख्याल है आप कंप्यूटर वगैरह ऑन कर लें, फिर लास्ट में जो है ना आप ये सवाल दोबारा से पूछ लीजिएगा, तो आपकी स्क्रीन शेयर करके वो फिर देख लेंगे। किसी और का कोई सवाल है, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में एक दफ़ा और मैं पूछ लूँगा आपसे क्वेश्चंस के लिए, तो उस वक्त भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, आई होप कि स्क्रीन मेरी आपके पास शेयर हो चुकी है। अच्छा, ये था वो लास्ट टॉपिक हमारा जो हम पढ़ रहे थे। हमने जावास्क्रिप्ट शुरू कर ली थी, हमने जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड बना लिया था जिसमें हमने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कहाँ पे जगह लेते हैं? रैम मेमोरी के अंदर वेरिएबल जगह लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने वेरिएबल के अंदर नाम रखवा के देखा था, उस नाम को चेंज करवा के देखा था। डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हम इसके अंदर रखवा के देख चुके हैं, जैसे कि नंबर हमने इसमें रखवाया था। उसके अलावा हमने वेरिएबल के नाम कौन कौन से रखे जा सकते हैं इस बारे में डिस्कशन की थी, कि कैपिटल आर और स्मॉल आर से लिखा हुआ रोज़ है ये मुख्तलिफ होता है, केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, बल्कि तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, सिवाय एक दो को छोड़ के जो बहुत पुरानी हैं। तो आज हम ज़रा देखते हैं हमारे आउटलाइन के अकॉर्डिंगली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वेरिएबल के टॉपिक को हम कुछ आगे बढ़ाएंगे और हम एक और नए तरह का जो वेरिएबल है बूलियन, हम उसको पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम जी वेरिएबल। अच्छा, तो मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है जिसका नाम मैंने रखा है बूलियन, और उसके अंदर वही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल मौजूद है, और इसमें मैं सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेता हूँ कि बूलियन। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ, जो कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए तरीका क्या रखूँगा, मैं कहूँगा लेट और इज़ ओपन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये मैंने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया है। अच्छा, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम देख सकते हैं कि हमने किस किस तरह का वेरिएबल बनाया था। हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने टेक्स्ट को सेव करवाया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट को
जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान में हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया था, फिर हमने यहाँ पे बनाया था नंबर वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल में हमने नंबर को स्टोर करवाया था। इसी तरह वेरिएबल में हम बूलियन डेटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हैं। बूलियन डेटा टाइप जो होती है वो क्या होता है? वो होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये दो के अलावा इसमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हमें सम टाइम जो है ना ट्रू फॉल्स रखवाना पड़ता है। आपने बहुत सारी जगहों पे जब वेबसाइट पे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ना ट्रू फॉल्स आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है। तो वहाँ पे हम ज़्यादातर बूलियन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि सम टाइम आपको लिखा हुआ होता है मार्शियल स्टेटस, सही है। इसको क्या मैं स्टाइलिंग, वेल पता नहीं मार्शल स्टेटस की क्या स्पेलिंग होती है, अलग से गूगल कर लेते हैं, सही है। तो ये मार्शल स्टेटस हमेशा क्या आता है? ट्रू या फॉल्स होता है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ट्रू या फॉल्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, सम टाइम इसमें थोड़ी डिफरेंट भी हो सकता है कि भाई सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, इस तरह की भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी सवाल होते हैं कि भाई जो नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इफ़ यू आर पाकिस्तान नेशनल तो आप इस पर चेक लगा दें। तो इस तरह करके जो आपके सवालात होते हैं ना जिसमें ट्रू फॉल्स में हमें जवाब लेना होता है, तो वहाँ पे हम बूलियन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। अब ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये बूलियन वेरिएबल बना के हमने देख लिया बनता किस तरह है, वो हमें समझ आ गया। उसके बाद इसको अगर मुझे चेंज करवाना है तो इज़ ओपन इक्वल्स टू करके, अभी ये ट्रू था पहले, अब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, दैट्स ऑल। इस बूलियन वेरिएबल के अंदर ना इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग करके, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ इज़ ओपन, तो जो इसके अंदर वैल्यू होगी ना वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगी इज़ ओपन में ना। तो इस तरह करके ये काम कर रहा होता है हमारा बूलियन वेरिएबल। तो मैंने इज़ ओपन इसको मैं प्रॉपर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। हमेशा जब भी हम कॉन्सोल पे कुछ प्रिंट करवाते हैं ना, साथ में थोड़ा सा स्ट्रिंग हम लिखते हैं। ये स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, और ये वाला जो है वेरिएबल का नाम, ये तो खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह जो वैल्यू होगी वो असल में आ जाती है। तो ये हमने ना कॉमा सेपरेटेड करके दो वैल्यू मैंने एक साथ प्रिंट करवाई है। नंबर एक एक स्ट्रिंग है जो कि एज इट इज़ प्रिंट होगा, वो उसमें कोई चेंज है, और ये जो है ये वाला जाहिर है एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, ये वेरिएबल का नाम है, क्योंकि ये तो नाम हट जाता है वेरिएबल का, उसकी वैल्यू आ जाती है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में फॉल्स प्रिंट होगा, तो लिखा हुआ जाएगा कि इज़ ओपन और फॉल्स। देखते हैं इसको चलाकर हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको फॉल्स को दोबारा से ट्रू कर दूँ इज़ ओपन इक्वल्स टू ट्रू, तो ये दोबारा से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वेरी करता है। वेरिएबल जो वो वेरी करता है, एक वैल्यू होती है फिर वो हट जाती है फिर दूसरी आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंखे को आप, पंखे का जो बटन होता है घुमाने वाला बटन, जिससे आप पंखे को ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी स्पीड को, तो कभी उसकी स्पीड आप 1 पे सेट करते हैं, कभी उसकी स्पीड आप 3 पे सेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये वेरिएबल भी क्या होता है, ये वेरी करता है, कभी भी इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, इसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये देखें, शुरू में जब बना तो ट्रू था, मैंने उसके बाद फॉल्स करवा दिया, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ट्रू करवा दिया, तो क्या होगा, ये जो भी लास्ट वाली वैल्यू इस लाइन तक पहुँचते पहुँचते जो भी यहाँ पे होगी वैल्यू, मतलब जब आपका कोड एग्जीक्यूट होते होते लाइन नंबर 22 पे जब ये पहुँचेगा आपका कोड, तो क्या होगा कि लाइन नंबर 22 पे पहुँचने के बाद जो वैल्यू इस वेरिएबल में होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बाद में अगर इसको मैं चेंज भी करवाऊँ तो वो प्रिंट क्योंकि हो चुकी है, तो वो प्रिंट अपनी जगह रहेगा। हाँ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है मज़ीद, ठीक है। मैं दोबारा इसको प्रिंट करवा दूँ तो जो यहाँ पर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे जो वैल्यू है वो ट्रू है, सही है। यहाँ पे मैंने चेंज किया तो उसके फ़ौरन बाद प्रिंट करवाया तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फॉल्स करवा के दोबारा से प्रिंट करवाया तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। तो एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल की नेचर को हमने अच्छी तरह से खंगाल के देख लिया।
कि एक बार ट्रू प्रिंट हुआ, एक बार फॉल्स प्रिंट हुआ, ठीक है। तो जब प्रिंट करवा रहे होंगे हम, उस वक्त जो वैल्यू उसके अंदर मौजूद होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बूलियन वेरिएबल को हमने थोड़ा सा देख लिया कि भाई बूलियन वेरिएबल कैसे काम करता है। उसके अलावा हमारे पास नंबर का जो वेरिएबल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं नंबर का वेरिएबल, लेकिन एक दफ़ा ज़रा हम और देख लेते हैं कि नंबर का वेरिएबल कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई 4 वेरिएबल फॉर नंबर, बल्कि ये बूलियन वाले के भी ना थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कि वेरिएबल फॉर बूलियन, सही है, ये इसका बेहतर नाम है आई थिंक, ठीक है। तो पहले एक वेरिएबल हमने समझा, पहले हमने वेरिएबल समझा, फिर वेरिएबल फॉर बूलियन, और फिर वेरिएबल फॉर नंबर अब समझने जा रहे हैं, ठीक है जी। मैं ज़रा नाम को कैपिटल कैपिटल कर दूँ ताकि वो सीक्वेंस अच्छा सा बन जाए इसका। फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल होना तो थोड़ा देखने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है। सिंटैटिक शुगर होता है ये, सिंटैटिक शुगर भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो अब वेरिएबल फॉर नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने रखा वेरिएबल फॉर नंबर, और उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बेसिक एच टी एम एल मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ वेरिएबल्स फॉर नंबर, ठीक है, स्क्रिप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मैंने नंबर को सेव करना है, तो मैं बोलूँगा लेट विड्थ, ठीक है। विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, तो मैंने किसी भी चीज़ की चौड़ाई है जो मैं जिसको देख रहा हूँ, मैंने कहा 12, ठीक है। विड्थ चौड़ाई 12 है, और लेट ठीक है हाइट भी, हाइट 10 मिसाल के तौर पर। तो किसी और किसी चीज़ की हाइट और विड्थ को मैं वेरिएबल में यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक में 12 है, एक में 10 है, ठीक है। नाम अभी मैंने इसका विड्थ रखा है, एक का हाइट रखा है, वो इसलिए रखा है कि रेलिवेंट नाम होना चाहिए। अच्छा, नाम से बताता चलूँ, ये बूलियन में जो मैंने ये रखा था ना इज़ ओपन, ये बूलियन वेरिएबल में ना एक कन्वेंशन होती है कि आप इसके नाम से पहले ना इज़ लगाते हैं, सही है, ये कन्वेंशन होती है। अगर आप ये ना भी लगाएं तो बूलियन वेरिएबल काम बिल्कुल सही करेगा, लेकिन कन्वेंशन क्या चीज़ होती है कि डेवलपर्स ने ना आपस में ये डिसाइड किया हुआ होता है कि हम ऐसे लिखा करेंगे, सही है, आपस में डिसाइड किया हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशन। तो ये जो आपका इज़ ओपन है ना, इसमें जो इज़ लगा हुआ है ये हमेशा, आप कभी भी बूलियन वेरिएबल बनाएंगे ना, मिसाल के तौर पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है पेंडिंग में है या नहीं है, तो आप बोलेंगे इज़ पेंडिंग, ठीक है। तो ये इज़ देखते ही बंदा समझ जाएगा कि ये इसके अंदर ना ट्रू फॉल्स है, इज़ पेंडिंग, ठीक है, या इज़ सोल्ड कि क्या बिक चुका है, इज़ सोल्ड ट्रू फॉल्स होगा। तो हमेशा इसके नाम के पहले ना इज़ लगा हुआ होगा, ये बूलियन वेरिएबल के मुताबिक आपको मैंने बता दिया एक बात जो रह गई थी। अच्छा, वापस हम नंबर वाले पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई लेट विड्थ इक्वल्स टू 12, तो मैंने ये कहा कि अभी मैंने इसका नाम रखा है विड्थ, लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी दूसरा नाम रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, और इसमें कोई मज़ायका नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें कि नाम जो भी होगा वेरिएबल का वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, इररेलीवेंट नाम नहीं होना चाहिए। इररेलीवेंट नाम का मतलब ये है कि अच्छा, नाम डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। वो उन्होंने जो हमने लीगल इलीगल नेम्स पढ़े थे वेरिएबल के लास्ट क्लास में, उसमें भी ये डिस्कस हुई थी बात कि वेरिएबल का जो नाम होता है ना वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे विड्थ और हाइट जो लिखा हुआ है ना, ये शायद इतना डिस्क्रिप्टिव नाम नहीं है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये अब विड्थ हाइट किस चीज़ की है ये, तो वो भी अगर नाम से जाहिर हो तो क्या ही बात है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा रूम हाइट, रूम विड्थ और रूम हाइट, ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव रखना चाहिए, उससे होता ये है कि कल को जब आप ख़ुद इस कोड को एडिट करने आते हैं या कोई दूसरा बंदा आपके कोड को देखता है तो उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये वेरिएबल क्यों बना हुआ है और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये हमने देख लिया कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए नाम। अच्छा,
अब हम इस नंबर के वेरिएबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो ज़रा देख लेते हैं हम ना, कि इस नंबर के वेरिएबल के साथ क्या क्या काम किया जा सकता है। मैंने कहा कि यार लेट मिसाल के तौर पे एक तो बेसिक चार ऑपरेशन किए जा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ना। तो मैंने कहा कि यार लेट रिजल्ट इक्वल्स टू रूम हाइट मल्टीप्लाई बाय रूम विड्थ, ठीक है। विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से शायद स्क्वायर फिट वगैरह कुछ निकल आता है, ये फिट में हमारे पास है विड्थ। अच्छा, इसमें ये भी मैं लिख सकता हूँ कि ये विड्थ किस में है। तो मैंने कहा कि भाई इन फीट, ये फीट में लिखा हुआ है विड्थ, ठीक है। तो देखते ही पता चल जाए कि अच्छा विड्थ हाइट दोनों फीट में लिखी हुई है। तो मैंने हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो इससे शायद स्क्वायर हमारा स्क्वायर वो निकल आता है, क्या कहते हैं, अच्छा रूम विड्थ और रूम हाइट है ना। रूम विड्थ में भी दो होता है ना, एक ऐसे विड्थ होता है एक ऐसे विड्थ होता है कि भाई 10x10 का रूम है या 10x15 का रूम है। तो मैंने कहा कि रूम विड्थ एक्स है ये, ठीक है, फिर वाई है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 12x12 का रूम है ये, 12 ही इसकी विड्थ है, 12 ही इसकी हाइट है, ठीक है। और रूम हाइट जो है वो 10 फिट है, ठीक है। तो अब इसका अगर मुझे स्क्वायर वो निकालना है, स्क्वायर फीट, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स को और वाई को और इस वाले को। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना आपस में, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ना, चार होते हैं वो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या निकल आया, रूम साइज इन स्क्वायर फीट, राइट। और रूम साइज जो स्क्वायर फीट बना था वो मैंने कंसोल करवा दिया, सही है, रूम साइज इन स्क्वायर फीट ये लिखा हुआ गया। अच्छा, इसको मैं ज़रा कॉपी करके चला भी दूँ। रूम विड्थ इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे रूम हाइट करना था ना मुझे, रूम हाइट, सही है। मैंने फीट तीनों में ही विड्थ लगा दिया था मैंने, तो ये मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिखा था इसलिए एरर आ गया था। अब क्या मसला है, रूम साइज इन स्क्वायर स्क्वायर फीट, वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो 1440 स्क्वायर फीट बनता है ये, क्या कहते हैं, अगर आपके पास क्या हो 10x12 का रूम हो, सॉरी ये स्क्वायर फीट नहीं बना, ये वो बन जाएगा क्यूबिक फीट बन जाएगा ये। स्क्वायर फीट में शायद ये हाइट की ज़रूरत नहीं होती, मुझे हाइट को हटा देता हूँ। जो आमतौर पे अगर आपके घर पे वो मार्बल वार्बल लगाने आते हैं ना, टाइल्स लगाने आते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि यार आपका जो रूम है ना वो मतलब चौड़ाई और एक्स वाई कितना है आपके रूम का, तो वो उसको मल्टीप्लाई मार के ना ये स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं। मुझे असल में इतनी स्क्वायर फीट वगैरह की तो नहीं पता, मैं बस आपको वेरिएबल नंबर वेरिएबल आपको ना डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो ये 114 स्क्वायर फीट बनता है अगर आपका रूम 12x12 का है तो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यार मल्टीप्लाई किस तरह हो सकते हैं, दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये हमने देख लिया। अब हम ज़रा प्लस माइनस भी करके देख लेते हैं कि प्लस माइनस कैसे हो सकता है ये। मैंने कहा लेट नम वन, सही, अच्छा नम वन नहीं होगा, ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये यूज़र का इनपुट है, यूज़र हमें इनपुट दे रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा यूज़र इनपुट वन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यूज़र इनपुट टू इक्वल्स टू 8, सही है। तो ये दो नंबर मेरे पास हम इमेजिन कर रहे हैं कि यूज़र ने दिया है हमें, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं ये दो नंबर मुझे किसने दिया है, यूज़र ने दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ लेट सम, ठीक है, सम का मतलब दो नंबर प्लस हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई यूज़र इनपुट 1 प्लस यूज़र इनपुट 2, तो ये सम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अब ये दो के दो वेरिएबल जो थे, इन दोनों में जो भी चीज़ मौजूद थी वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और सम के अंदर सम नाम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी।
ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई डिफरेंस डिफरेंस क्या डिफरेंस 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 कहते हैं जो दो चीज़ों को माइनस करके जो आपस में रिजल्ट आए ना उसको डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन दो वेरिएबल को मैंने माइनस कर दिया आपस में और डिफरेंस जो भी था वो मैंने बता दिया यहाँ पर। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट प्रोडक्ट, ठीक है, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने कहा कि यूज़र इनपुट वन और इसके बीच में मैंने बोला कि भाई मल्टीप्लाई लगाना है आपने, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो चौथा नंबर है वो होता है डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मैंने इसका एक डिवीज़न कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब इन चारों को मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने कहा कि भाई सम जो है वो ये है, और इसके अलावा मैंने कहा कि भाई डिफरेंस होगा एक अदद, एक मिनट यार ये क्या किया मैंने, डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन, ठीक है जी, ये आई वी के ऊपर वो क्यों आ रहा है। वेल, तो अब मैं इसको जब चलाऊंगा, जब मैं इसको रन करूंगा, तो 5 और 8 जो ये दो नंबर थे मेरे पास, इनपुट 1 और इनपुट 2, उन दोनों नंबर्स का सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन निकल के मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखिए मुझे चारों चीज़ें मुझे इसने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, सम बता दिया दोनों का, मेरे पास दो नंबर थे 5 और 8, तो 5 और 8 का सम ऑब्वियसली 13 होता है। ठीक है, और उसके अलावा 5 और 8 को अगर मैं माइनस करूँ, मतलब पहला नंबर 5 था दूसरा नंबर 8 था, तो 5 माइनस 8 करूँ तो 8 क्योंकि बड़ा है तो रिज़ल्ट उसका माइनस में आ गया, 3 रिज़ल्ट आ गया उसका। इसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई करूँ मैं, कि 8 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 5 से, तो 8 5 40, तो इसलिए 40 रिज़ल्ट आ गया। और इसी तरह डिवाइड भी अगर मैं करूँ 8 5 डिवाइड 8, तो मेरे पास ज़ाहिर है 5 एक छोटा नंबर है, 8 एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए मेरे पास डिवीज़न का जो रिज़ल्ट है वो 0 point something आया है। ठीक है, 1 से कम आया है। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया चार नंबर्स को ऐसे करके मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जितना मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ, इतना करने के बाद अब आपको ना क्या आ गया, प्रोग्रामिंग से, जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपको दो नंबर्स को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार काम करना आ गए। अब आपको ना एक छोटा सा मैं असाइनमेंट दूंगा इस पॉइंट पे। वो असाइनमेंट आपका क्या होगा कि आपने क्या करना है, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, यूज़र से दो नंबर इनपुट लेगा और यूज़र से दो नंबर इनपुट लेने के बाद उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, ये चार आपको अलग अलग असाइनमेंट्स बनाने हैं। नंबर एक वो प्लस का अलग होगा, माइनस का अलग होगा, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग। ठीक है, चार अलग अलग भी बना सकते हैं, एक पेज पे ही बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, एज़ यू विश। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी तक तो आपने सिर्फ नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा है, अभी तो आपने यूज़र से इनपुट लेना नहीं सीखा। तो मैं आपको अब यूज़र से इनपुट लेना सिखा देता हूँ इस पॉइंट पे, ताकि आप ये असाइनमेंट बना सकें ईज़िली। अच्छा, अभी तक जो मैंने बात बताई है वो आप लोगों को समझ आई है, जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनका कोई क्वेश्चन कोई सवाल है अगर तो वो मुझसे पूछ लें, इससे मुतालिक जो अभी तक मैंने यहाँ पे बात करवाई है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको यूज़र से इनपुट लेना सिखाता हूँ अब इसके अगले मरहले में। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेना सीखते हैं। अच्छा, एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ नया, और इसको मैं बता देता हूँ कि भाई इनपुट एंड आउटपुट, राइट।
इनपुट एंड आउटपुट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक बेसिक HTML लिख देता हूँ, ओके टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। अच्छा उसके लिए मुझे एक मार्कअप चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म, सही है, फॉर्म का मुझे मार्कअप उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। और फॉर्म के मार्कअप के अंदर मैं क्या अगर बना रहा होता हूँ ना, मैं लिखता हूँ कि यार नम वन, ठीक है, जो भी इनपुट था मेरा नम वन एक मेरा इनपुट है, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ इनपुट और उसकी टाइप मुझे चाहिए नंबर, ठीक है, तो नंबर टाइप हो जाती है यहाँ पर। अच्छा उसके अलावा मुझे क्या चाहिए होता है, वहाँ पे एक आईडी देनी पड़ती है मुझे इसको एक, सही है, ये आईडी के ज़रिए मैं इसको इस वैल्यू को गेट करूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैं ये इसको आईडी नहीं दूँगा तो मैं इस वैल्यू को उठा नहीं पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, सेम चीज़ नम टू के लिए करनी है मैंने, ठीक है, और इसकी आईडी ज़ाहिर है मुझे मुख्तलिफ देनी होगी क्योंकि एक आईडी में दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकता, बीच में मैं एक अदद बी आर लगाऊंगा बी आर ताकि लाइन चेंज हो जाए, वरना ये दोनों एक ही लाइन में लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। ये मार्कअप सारे हम पढ़ चुके हैं, थोड़े एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं ब्रीफली इसका, और लास्ट में मुझे एक बटन चाहिए होगा जिसकी मैं बोलूँगा कि टाइप क्या होगी, सबमिट होगी, ठीक है। अच्छा ये जो कोड लिखवा रहा हूँ मैं अभी इनपुट और आउटपुट लेने का, ये काइंड ऑफ एक बॉयलर प्लेट कोड है, ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये कोड चेंज होता रहेगा बार बार, ये कोड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह लिखा जाएगा, थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस होंगी लेकिन ज़्यादातर ना 80-90% जो है वो ये चीज़ रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको ना दिल पे नहीं लेना कि यार ये तो इतना सारा सर ने कोड लिखवा दिया, ये कोड आपको हमेशा इसी तरह लिखना है, वो इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे ना क्लास में तो हम ये डेली बेसिस पे ये कोड लिख रहे होंगे। अब हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना यहाँ पे उसका आपने जावास्क्रिप्ट की ऐप बनानी है, चलती भी ऐप, ठीक है, वो मैं बनाकर दिखाऊंगा और फिर आपसे भी बोलूंगा कि आप भी बनाएं। तो हम ये वाला कोड ना डेली बेसिस पे लिख रहे होंगे, तो जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ ना बगैर देखे लिख रहा हूँ, मुझे ये कोड याद है, इसी तरह आपको भी ये थोड़े दिनों में मतलब आप इससे आदी हो जाएंगे इसको लिखने के ना, तो फिर आपको लगेगा कि यार ठीक है बस ऐसे ही है, ठीक है। तो बटन के अंदर मैंने लिख दिया कि भाई डू सम, ठीक है, तो इतना कोड ज़रा इसको हम चला के देख लेते हैं कि अभी ये किस तरह का मुझे नज़र आ रहा है कोड ऐसा वाला, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये ना कोड अभी बन चुका है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने जो है ना एक हेडिंग लगाई हुई है, एक नीचे उसके मैंने फॉर्म बनाया है और फॉर्म के अंदर दो अदद मेरे पास इनपुट्स हैं, उसके बाद डू सम है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा 23 और 56 और सम का बटन जब मैं दबाऊंगा, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन थोड़ी देर में हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लिखेंगे, इसमें बटन दबाने के ऊपर एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, हम बोलेंगे कि वो दोनों इनपुट को उठाओ और दोनों को सम करके यहाँ नीचे स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग बनाऊँगा मैं, स्क्रिप्ट के टैग पे एक अदद मुझे बनाना पड़ेगा फंक्शन। अच्छा फंक्शन एक टॉपिक है पूरा जो कि हम इन फ्यूचर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इस फंक्शन का कोई नाम रख दूंगा मैं, डू सम इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। और ये डू सम मैं कहाँ पे जाके लिख दूंगा, मैं बोलूँगा कि इस फॉर्म के ऑन सबमिट पे क्या करो आप, ये डू सम का फंक्शन जो है चला दो, ठीक है। जब मैंने बोला कि इस फॉर्म का जो जब बटन प्रेस किया जाए ऑन सबमिट, तो ये फंक्शन उसके ऑन सबमिट पे चला दो। अच्छा रिटर्न फॉल्स उसके बाद मैंने लगाया है, ये इस वजह से लगाया है कि ये पेज क्या हो, रिफ्रेश ना हो मेरा पेज, ठीक है, इस वजह से ये रिटर्न फॉल्स मैंने लगाया है। अदरवाइज़ क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉर्म का ये होता है कि जब आप उसको क्लिक करते हैं सबमिट करते हैं तो ये पूरे के पूरे पेज को क्या करता है, रिफ़्रेश करता है। तो उससे बचने के लिए रिफ़्रेश ना हो ये मैंने ये लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई अभी फ़िलहाल ना इसको मतलब ऐसे ही लिखेंगे आप, थोड़े दिनों में इसके बिल्कुल आप आदी हो जाएंगे तो फिर हम इसको मज़ीद एडवांस आप ख़ुद से भी सर्च कर सकते हैं फिर बाद में, लेकिन अभी प्लीज़ इसको ऐसे ही लिखिएगा। क्योंकि इस काम को करने के ना एक दो तरीके और भी हैं, आप इंटरनेट पे जब अगर इसको सर्च करेंगे ना तो आप एक प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट वाला भी तरीका है, लेकिन हम वो अभी नहीं कर रहे, हम ये वाला कर रहे हैं क्योंकि ये समझने में और लिखने में आसान है अभी फ़िलहाल आपके लिए।
अच्छा, तो जब ये मैंने बोला ना कि बटन जब प्रेस हो ना सबमिट का, तो ये डू सम का फंक्शन चला दो। डू सम का फंक्शन चलने का मतलब क्या है? डू सम का फंक्शन चलने का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट शुरू है, ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान में जो भी कोड है उसको एक बार चला दिया जाए। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आई एम डू सम फंक्शन रनिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो बटन प्रेस होता है सबमिट का, तो मैंने क्या बोला कि ऑन सबमिट, सबमिट का बटन प्रेस होने पे क्या कर दिया जाए, डू सम का फंक्शन एक दफ़ा चला दिया जाए। तो जब ये डू सम फंक्शन एक दफ़ा चलाने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड ये एक बार रन होगा। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगा ये वाला कॉन्सोल स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। ठीक है, दोबारा सबमिट करूँगा ये दोबारा स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। चल के देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा मैंने डू सम का बटन प्रेस किया, ये देखो सही है, ये मैं प्रेस करता जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि इस बटन के प्रेस करने पे ये फंक्शन पूरा का पूरा रन हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो इस फंक्शन के रन होने पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, अब ना सिर्फ मैं कंसोल लगाऊँगा बल्कि मैं अपने जो इनपुट्स हैं उसकी वैल्यू को उठा के और उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करूँगा, मैं सम करूँगा उन वैल्यूज़ को, राइट। और सम करके फिर उसको मैं दोबारा स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि यार जो मेरा लेट नम वन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नम वन, और मैंने कहा कि नम टू जो है उसको कर दें आप टू। तो ये मेरे पास दो जो थे ना वेरिएबल बनाए मैंने। पहला वेरिएबल बनाया उसको मैंने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब ये HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, राइट, ये HTML के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो मैंने नंबर वन वेरिएबल जो बनाया मैंने उस पर लिखा कि डॉक्यूमेंट यानी इस HTML के डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट, एक एलिमेंट को गेट किया जाए बाई आई डी के ज़रिए, और कौन सी आई डी होगी, वो नम वन जिसकी आई डी है ना उसको उठा लिया जाए। ठीक है, तो नम वन इस एलिमेंट की आईडी थी, तो पूरे डॉक्यूमेंट में से ये एलिमेंट उठ के सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि इस एलिमेंट, ये क्योंकि एक इनपुट एलिमेंट है इसमें यूज़र अपना इनपुट लिख सकता है, तो मैंने कहा वैल्यू, जो भी यूज़र वैल्यू लिख रहा है ना इनपुट में, वो वैल्यू यहाँ पे से मुझे उठा के ले दो आप। ठीक है, तो यूज़र ने जो कुछ भी लिखा होगा पहली वाली बॉक्स में वो नम वन में आ जाएगा, जो बॉक्स टू में लिखा होगा वो नम टू में आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहा लेट सम रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, राइट। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया रिजल्ट का, सम रिजल्ट का, और उसके अंदर क्या रखवा दिया मैंने, नम वन को और नम टू को प्लस करके रखवा दिया। और अब मैंने क्या करना है, कॉन्सोल डॉट लॉग करके इसके रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट था ये, इसको प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर मैंने। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा कि सम रिजल्ट इज, और उसमें जो भी वैल्यू बनेगी अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट वो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इतने को ज़रा चला के देखते हैं। अब दोबारा से इसको मैंने रिफ़्रेश किया पेज को, और रिफ़्रेश करने के बाद मैंने एक में लिखा 12 और दूसरे में लिखा मैंने 3, तो इन दोनों का सम क्या बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। तो जैसे ही मैं डू सम प्रेस करूँगा तो यहाँ कॉन्सोल पे इन दोनों का सम यानी कि 15 लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ओके, ये 15 लिखा हुआ नहीं आया, ये 123 लिखा हुआ आ गया। असल में ये इस वजह से हुआ है कि जब भी हम यूज़र के इनपुट से वैल्यू उठाते हैं तो वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र लिख रहा होता है ना इनपुट, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा होता है मुझे। ठीक है, नंबर की फॉर्म में वो नहीं मिलता। और जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस किया जाता है तो वो कॉन्कैडिनेट हो जाता है, यानी वो जुड़ जाता है, जैसे होता है एज इट इज़ वैसे ही वो जुड़ जाता है। यही वजह है कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो है ना ये हुआ कि जो मैंने 1 2 लिखा था और दूसरे में 3, तो ये तीनों, ये दोनों वैल्यूज़ ना बजाय सम होने के, बजाय प्लस होने के, ये आपस में जुड़ गई हैं, ये कॉन्कैडिनेट हो गई हैं। अच्छा, इस कॉन्कैडिनेशन से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा नम वन इक्वल्स टू नंबर नम वन, ओ नम वन सही है, इसको मैंने क्या कर लिया, नंबर में कन्वर्ट कर लिया इसको मैंने।
ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने कहा नम वन में क्या रखवा दो, इसको नंबर में कन्वर्ट करके रखवा दो। तो अब ये क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने नंबर में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, यहाँ पे छोटा सा प्लस लगा देते हैं, लेकिन दैट इज़ अ शॉर्टकट। ठीक है, वो हम करते रहेंगे, फिलहाल अभी हम प्रॉपर तरीके से करते हैं इसको। ठीक है जी, अब इसको हम ज़रा दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और दोबारा से रिफ़्रेश करके मैं इसको वही वैल्यू देता हूँ, मैंने कहा 12 और 3। ठीक है जी, अब मेरे पास प्रॉपर जो है वो 15 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मैं कोई दूसरी वैल्यू ट्राई करता हूँ, मैंने इसको कहा कि यार 7 प्लस 9 डू सम। ठीक है, तो 16 यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है, मुझे इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इस फॉर्म के बाद एक यहाँ पे H1 बना लेता हूँ। ठीक है, H1 एक बना लेता हूँ जिसमें मैं कोई टेक्स्ट अभी नहीं लिख रहा, बट इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, दैट इज़ रिज़ल्ट। ठीक है, एक आईडी दे देता हूँ रिज़ल्ट। तो इस आईडी के ज़रिए मैं क्या करूँगा, इस H1 के अंदर बाद में कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाऊँगा, और वो कौन सा टेक्स्ट होगा, वो ये रिज़ल्ट वाला टेक्स्ट होगा। तो मैंने कहा कि क्या करो आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करो सम रिज़ल्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट को गेट करो आईडी के ज़रिए, ऐसा एलिमेंट जिसका नाम क्या हो, सम रिज़ल्ट हो। सही है, जिसका नाम जो है वो सम रिज़ल्ट हो। तो सम रिज़ल्ट तो नहीं था नाम इसका, इसका नाम था सिर्फ रिज़ल्ट। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि सिर्फ रिज़ल्ट के नाम से जो वो गेट करो, और उसके इनर HTML में, यानी कि उसके अंदर एक HTML दिखा दो, और वो जो भी सम रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू है ना, जो मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा था, वो मैंने इधर प्रिंट करवा दी। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, ऐसा करने से अब ये होगा कि इस div के अंदर, इस H1 के अंदर, ये जो H1 है इसके अंदर, जो कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे क्या है, खाली है, इसके अंदर वो रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, रिज़ल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और अब मैं इसको कुछ वैल्यू दे के देखता हूँ, 5 और 4। तो यहाँ पे देखें, फ़ौरन 9 प्रिंट हो गया। सही है, मैं इसको अब कोई दूसरी वैल्यू देता हूँ, 8 और 23, तो ये 31 फ़ौरन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये अभी आप सब लोग अपने हाथ से इसको बनाएं। मैं ये कोड पुश कर रहा हूँ, मैंने कहा क्लास कोड, और ये मैंने पुश कर दिया। ठीक है, आप सब लोगों के पास इस क्लास की रिपॉजिटरी का एक्सेस है, इस क्लास की जो रिपॉजिटरी है जहाँ पे मैं कोड पुश करता हूँ github.com पे, वो पब्लिक है, और कोई भी आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे ऐसे, ये मेरी github की प्रोफाइल पे आप पहुँच गए। ठीक है, ये मेरी github की प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने रिपॉजिटरीज़ में जाना है, और रिपॉजिटरीज़ में जाने के बाद आप क्या करेंगे, batch 3 जो है वो आपका कोड है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें कोड पुश किया, इसलिए रिपॉजिटरी ये टॉप पे आ रही है, राइट। लेकिन हमेशा ये टॉप पे नहीं आएगी, हो सकता है समटाइम आपको क्या करना पड़े, यहाँ पे आके ना लिखना पड़े B3, और जैसे ही आपने B3 लिखा तो ये सामने आपके रिपॉजिटरी आ गई। इसके रिपॉजिटरी के अंदर आपने जाना है, और यहाँ पे वो तमाम का तमाम कोड लिखा हुआ है जो मैं आपको इस क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट ये 5 करके लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जाएंगे, और ये वो आपको सारा का सारा कोड नज़र आ चुका है जो मैंने अभी अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो इस रिपॉजिटरी का एक्सेस आप सब लोगों के पास मौजूद है, तो आप जल्दी से ये कोड जो मैंने लिखवाया है इसको आप लिखें, अभी अपने हाथ से लिखें। और ये मैंने तो सम का करवाया है सिर्फ, आपने क्या करना है, ये प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तीनों ऑपरेशन भी आपने इसमें करने हैं। तीन अलग अलग एप्लीकेशंस आपने बनानी है। ठीक है, तीन अलग अलग एप्लीकेशन आपने बनानी है, एक सम के लिए, एक माइनस के लिए, एक मल्टीप्लाई के लिए, और एक डिवाइड के लिए। कोड को कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना है, कोड आप देख सकते हैं, मेरा वाला कोड आप देख के अपने हाथ से टाइप कीजिएगा। ठीक है, आपने इस कोड को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ऐसा करने से। ठीक है जी, तो जल्दी से ये असाइनमेंट आप सब लोग बनाएं, और अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, और शेयर करके बनाएं।